नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। अब प्यार और विश्वास के बाद वो घड़ी आ गई है जब लोग अब फरमाइशें करने लग गए हैं। बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर। बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, बहुत सारा विश्वास भी करते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं। तो प्रॉब्लम तो इंसान उसके साथ शेयर करता है ना जिसे वो अपना मानता है। अब लोगों की फरमाइशें आने लग गई हैं। प्रीति जी कहती हैं कि इंसान का ये बताइए प्रोफेसर साहब कि जैसे कि मान लीजिए गुरु का लग्न है, अगर गुरु की ही राशि है, क्या वो इंसान अच्छा लाइफस्टाइल अपनाते हैं, वो इंसान अच्छे से रह पाते हैं, या उस इंसान के पास पैसा होता है, या वो इंसान ही बिजनेस में सफल होते हैं? या फिर मान लीजिए किसी का बुध का लगन है और राशि जो है वृश्चिक है, मेष लगन है राशि जो है मीन है, कर्क लगन है मान लीजिए राशि उसकी तुला है, क्या ऐसे लोग इंसान में तरक्की पाते हैं? बहुत सब कुछ पाली जी, आपने आज आपने बात की कि जिसका जो लगन होता है जी, अगर राशि भी वही आ जाए जी, या फिर उसी ग्रह की राशि आ जाए जी, मान लीजिए जिसका कुंभ लगन है और मकर राशि आ गई जी, और अगर वृष लगन है तुला राशि आ गई, क्योंकि शुक्र का लगन हुआ शुक्र की राशि हो गई, शनि का लगन हुआ शनि की राशि आ गई, किसी का कन्या लगन है और मिथुन राशि है, बुध का लगन हुआ और बुध की राशि आ गई, ऐसे ही मेष लगन है तो और वृश्चिक राशि है, मंगल का लगन हुआ और मंगल की राशि आ गई, ऐसे ही धनु लगन हुआ और मीन राशि आ गई। अगर किसी की सेम राशि होती है, मान लीजिए मेष लगन हो और मेष ही राशि हो, ऐसे बंदे बहुत जल्दी अपने आप को समझा लेते हैं, क्योंकि उनका एक लक्ष्य होता है कि मेरे जो हृदय कह रहा है वही दिमाग कह रहा है। उनको समझाना थोड़ा सा आसान होता है, उनको समझना थोड़ा आसान होता है, वो भटकते कम है जिनका एक ही लगन होता है और एक ही राशि होती है, लेकिन ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा नहीं कर पाते क्योंकि दूसरी राशि मन उनको दूसरी ओर लेकर जाने नहीं देता। जो उसका हृदय बोलता है वही उसका मन बोलता है। जिसका मिथुन लगन है और कन्या राशि है, जिसका मेष लगन है और वृश्चिक राशि है, ऐसे बंदे हालातों के साथ समझौता कर लेते हैं, जैसे हालात चलते हैं उसके साथ कहते कोई बात नहीं, मुझे पता है अगर ये दिन नहीं रहे तो वो भी दिन नहीं रहेंगे, अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन आ गए तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, अच्छे दिन फिर दोबारा आएंगे, अगर बुरे दिन चल रहे हैं ये कभी नहीं रहेंगे, अगर अच्छे दिन चल रहे हैं ये भी कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके हालात आप ग्रहों को कैसे कर रहे हो। देखिए, आपके हालातों के साथ, आपके इर्द गिर्द, आपके व्यवहार के साथ ही ग्रह चलते हैं। ये कभी भूल जाइए मेरी कुंडली में छप के आ गया तो यही मेरे साथ होगा, ऐसा कभी नहीं होता। कुंडली में छप के आ गया कि आपके साथ दुख बीमारी आएगी, देखिए कुंडली में छप के आ गया, लेकिन आप कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। अगर बीमारी आती है समझौता करते कोई बात नहीं ये दिन नहीं रहेंगे, तो बीमारी जो 6 साल के लिए थी वो 6 महीने में ही ख़त्म हो जाएगी। देखिए, जिसका मकर लगन हो और मेष राशि हो, दोनों ही एंटी आ गए, तो लगन बोलेगा नहीं आप धैर्य रखो, मंगल कहेगा, मन कहेगा नहीं आपने मिनटों मिनट ये काम करना है, आपके लिए ये काम बहुत जल्द होना चाहिए, मंगल जल्दबाज करवाता है, शनि धैर्य करवाता है। तो शनि की अच्छी राशि कुंभ होती है, शनि की बुरी राशि कह सकते हैं वो मकर राशि होती है। दो राशि, हर एक लगन की दो प्रकृतियां होती हैं, ग्रहों की, हर ग्रह की दो प्रकृतियां होती हैं, जैसे कि अच्छी राशि और बुरी राशि, यानी कि ठीक ठाक राशि, बुरी तो कोई होती नहीं है, अच्छी भी कोई नहीं होती है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरी बातें फिर आगे के आगे जानी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मेरा अंदर से ना जो आत्मा है ना वो कहती है अच्छे ढंग से समझाओ। तो कुछ लोग कहते हैं प्रोफेसर साहब काम की बात किया करो, आप बातें बहुत करते हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है, एक साधु था,
पानी के भीतर एक बिच्छू डूब रहा था, उसको सांस नहीं आ रही थी। वो साधु देखा ये तो मर जाएगा, उसने उसको निकालने की कोशिश की, उसने डंक मारा, वो हाथ से फिर निकल गया। उसने फिर भी देखा इधर गिर्द कोई पत्ता मिल जाए, पत्ते के ऊपर उठा लूँ, पर नहीं मिला। उसने फिर हाथ से उठाया, फिर उसने डंक मारा, फिर छोड़ दिया। उसका नाल चेला था, कहता है बाबा जी आप क्या कर रहे हो, छोड़ो इसको, ये आपको बार बार डंग मार रहा है। कहता है अगर ये अपनी प्रकृति नहीं छोड़ रहा तो फिर मैं अपनी प्रकृति भला करने वाली क्यों छोड़ूं, ये डंग मारने वाली प्रकृति नहीं छोड़ रहा, मर रहा है तब भी नहीं छोड़ रहा, तो फिर मैं अपनी प्रकृति जो अच्छा करता हूँ लोगों का वो क्यों छोड़ूं। इसलिए उन्होंने चाहे 3 दफ़ा डंक खाए लेकिन उसकी जान बचाए। चाहे आप मेरे को जो मर्जी बोलो लेकिन जो मेरे हृदय से बातें निकलती वो पूरी करके ही छोड़ूंगा। आपको अगर मेरी बातें अच्छी नहीं लगती तो लास्ट में आप उपाय ज़रूर देखा कीजिए, आपके लिए उपाय होगा। तो ये बातें मेरी आगे के आगे जब निकलती हैं ना, वो अंदर से निकलती है, कैसे निकलती है मेरे को नहीं पता होता, ये मैं दिल की बात बता रहा हूँ। अगर आत्मा की बात आपको अच्छी नहीं लगती, क्या पता हृदय में जो निकलती बात वो भगवान की होती है, अभी आप उस अवस्था तक पहुँचे नहीं हो। हाँ पहुँचोगे जब आप 40 साल के ऊपर जाओगे, 50 साल के ऊपर जाओगे, कईयों के तो 60 साल के ऊपर, कई तो 80 साल के ऊपर पहुँचते तब भी नहीं पहुँच पाते, पहुँचोगे आप। लेकिन जब आपकी अवस्था आएगी, हो सकता है कि आपकी अवस्था बहुत ऊँची हो, मेरे से भी ज़्यादा ऊँची हो, इन चीज़ों को जानते हो तभी आप बोलते हो ऐसे, चलो। क्योंकि किसी का ज्ञान, किसी का पात्र कितना बड़ा है और किसी का पात्र कितना बड़ा है ये मैं नहीं जानता, ये कुंडली से पता चलता है कि उसका पात्र कितना बड़ा है। इसलिए मैं अपनी प्रकृति नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे ही बातें जो मेरे अंदर से निकलती है वो बताऊंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर पूरी बात ना करूं, मुद्दे की बात, कुछ लोग बोलते हैं पूरी मुद्दे की बात कीजिए, कुछ लोग बोलते हैं पूरी पूरी बात कीजिए और ग्रहों की बात कीजिए। अरे ग्रहों की बात करने के लिए बहुत पूरी दुनिया लगी हुई है, ज्योतिषी हज़ारों ज्योतिषी हैं, उनकी बात सुनिए आप। मैं ग्रहों की बात नहीं करता, मैं मुद्दे की बात नहीं करता, जो मेरे अंदर से बातें आती हैं मैं वही करता हूँ। इसलिए मैंने पूरी बात की, ये मैंने कहानी आपके लिए सुनाई है, क्योंकि मैं अपनी प्रकृति नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो मेरे अंदर से आवाज़ आती है वो मैं नहीं छोड़ सकता। अब सुनिए बहुत ध्यान से, जिसकी मकर राशि है मैंने बोला, या मकर लग्न है मेष राशि है, या मेष लग्न है मकर राशि है, तो वो ऐसे बंदे दुविधा में रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, वो कोशिश तो करते हैं मैं अपने आप को स्ट्रोंग कर लूँगा लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि दोनों ही दुश्मन हैं। शनि और मंगल दोनों ही एंटी हैं, शनि धैर्य करवाता है, मंगल जल्दबाज होता है। देखिए तो दोनों एंटी राशियां आ गई, तो इसलिए दोनों खराब होते हैं। जिसकी एक राशि होती है वो वेरी वेरी गुड होता है, एक ही राशि एक ही लग्न होता है। जिसका एक लग्न की और दूसरी राशि हो गई, दूसरे लग्न की यानी कि दोनों ही मतलब कि एक ग्रह हो गया, जैसे कि मिथुन लग्न और कन्या राशि, और धनु लग्न मीन राशि, कुंभ लग्न मकर राशि, या मकर लग्न कुंभ राशि, या मेष लग्न वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न मेष राशि, ऐसे बंदे भी गुड होते हैं। यानी कि अपने हालातों के मुताबिक वो अपने आप को ढाल लेते हैं, दूसरे बंदे हालातों के साथ समझौता नहीं कर पाते, वो फिर थोड़ा सा धक्के उनको ज़्यादा खाने पड़ते हैं, वो कुंडली के मुताबिक है। प्रीति जी ये मैंने आपकी बात का आंसर दिया, देखिए आपकी छोटी सी बात लेकिन समझाना, अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मेरी बातें ऐसी होती है जब मैं कोई भी बात समझाता हूँ मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बारीकी में ना समझा दूँ तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मुझे बात थोड़ी सी लंबी करनी पड़ती है। तो मुद्दे की बात कोई नहीं होती, पहले ये बात समझिए, कोई भी पूर्ण बात नहीं होती। जो इंसान सिर्फ बातें सुनता है वो दुखी है, जो इंसान बातों को ज्ञान में लेकर जाता है वही सुखी है। मैं हफ्ते में महीने में घर में जाकर पहले मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा शेड्यूल, मेरी बातें फिर आगे जाने वाली हैं, सुनने वाली हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि मान लीजिए मैं सुबह सैर करने के बाद, सुबह 8:15 बजे हम ऑफिस में आ जाते, तो मैं ऑफिस में आ गया, तो शाम तक मैंने अपना वर्कलोड किया, जो भी काम किया, बोलना बहुत पड़ता है ज्योतिष के काम में, समझाना बहुत पड़ता है, दुख सुनने पड़ते हैं, दुख को काटना पड़ता है, सुख में बदलना पड़ता है, जो भी सच्चा और अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है उनके लिए।
तो शाम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिर भारी हो जाता है बंदा, क्या करता है, क्योंकि आजकल तो थोड़ा सा हीटर लगा के बैठना पड़ता है। कुदरत में मैं बैठता नहीं, नीचे ही बैठता हूँ आजकल, क्योंकि एक महीने के लिए मैंने थोड़ा सा नीचे बैठना शुरू किया है, सर्दी बहुत है ऊपर। तो हम घर में जाके, जब मैं घर में बैठता हूँ, गर्म पानी पी के थोड़ा सा बेड के ऊपर लेटना, लेटना ज़रूरी होता है। अगर इंसान लेटेगा नहीं तो पेट मोटा हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। जो इंसान कम लेटते हैं, कम सोते हैं, वो मोटे हो जाते हैं। सोना बहुत ज़रूरी होता है। मैं घर में जाके लेटता हूँ, कोई भी आजकल तो सारी ऐप्स आई हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, मैं एक ऐप्स खोल लेता हूँ, कोई ना कोई मूवी वगैरह, कोई सीरियल वगैरह एक आधा ज़रूर देखता हूँ माइंड फ्रेश करने के लिए। ये नहीं कि उसमें जो चुस्ती चलाकी है उसको पाने के लिए, ये नहीं, उनमें कोई ज्ञान ढूंढने के लिए। नहीं तो ज्ञान की बातें और सीरियल बहुत होते हैं, धार्मिक बनाए गए हैं, उनको ढूंढता हूँ ये सीरियल अच्छे बनाए या बुरे बनाए हैं। उन्होंने जो सीरियल बनाए होते हैं वो अपने हिसाब से, उसका डायरेक्टर अपने हिसाब से करता है। हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं उनसे अलग होते हैं। फिर मैं बोलता हूँ ये चीज़ उन्होंने कहाँ से ली, फिर मैं बोलता हूँ हाँ चित्रकारी के लिए कोई एक आधी चीज़ ऐड करनी पड़ती है। देखिए पूरी सच्चाई अगर लगाएंगे तो वो पिक्चर हिट नहीं होती। अगर उसको हिट करना पड़ता है, थोड़ा सा मसाला बीच में लगाना पड़ता है, तभी लोग, या खबरें वगैरह तभी लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर उसको चीज़ को हिट करना है तो। इसलिए जब भी हम कोई भी चीज़ देखते हो, उनमें से जो 2% 5% सच्चाई होती है वो ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि क्या पता आपके लिए वो काम की हो। इसलिए मैं माइंड फ्रेश करने के लिए मेरी अगर मूवी लगा दूँ, सच बता रहा हूँ, अगर मैं मूवी दिखा दूँ तो शेफाली भी देखती थी, ये कल भी मूवी देख रहे थे आप, आज फिर मैं कल 15 मिनट की देखी थी, आज मैंने 20 मिनट की देखी, कल मैंने 20 मिनट, यानी कि 5-6 दिन में मेरी एक मूवी पूरी होती है अगर मैं मूवी देख। शेफाली जी आपको पता ही है, सबको पता जो मेरे पास आते हैं जी, यही मूवी आप देखते हो शाम को, हिस्टोरिकल कोई भी चीज़ जो आपके लिए काम की हो, उनमें 2-4% ज्ञान लेता हूं। शेफाली जी के बहुत क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लेता हूं तो मेरी बातें फिर आगे चली जाएंगी। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने कहा कि मैं ज्ञान की बातें ढूंढता हूं, चाहे वो मूवी के जरिए हो, चाहे किसी भी ऐप के जरिए हो, जैसे भी हो, आप ज्ञान ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, हमारे लिए रिसर्च करते हैं, वही आप कैमरे के सामने हमें बताते हैं और हमारी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो जाती है। तो प्रोफेसर साहब, सबसे बड़ी बात, लोगों को जीना ही नहीं आता, हम दूसरों की ओर ध्यान देते हैं, अपनी ओर ध्यान नहीं देते। तो प्रोफेसर, सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे इंसान को ड्रेसअप होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले तो लेट उठते हैं, फिर जैसे कपड़े होते हैं, जैसे उलझे फुलझे कपड़े होते हैं, बिना प्रेस किए वैसे ही पहन के चले जाते हैं। उनका कौन सा ऐसा ग्रह खराब होता है जो वो ऐसे ही चले जाते हैं बिना प्रेस किए? जब उनकी कबर देखी जाती है तो बिल्कुल उथल पुथल हुई होती है, ऐसा क्यों होता है प्रोफेसर? शेफाली जी, वो इंसान हमेशा, उनके कोई भी, चाहे जितने मर्जी अच्छे ग्रह लेकर बैठे हैं, उनके हर काम लेट होंगे जो ऐसे करते हैं, चाहे जितने मर्जी अच्छे ग्रह लेकर बैठे हुए, वो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए बहुत धक्के खाने पड़ेंगे उनको, क्योंकि एक तो ग्रह अच्छे हैं चाहे, अगर ऐसे करते हैं। जो इंसान सुबह उठ के अपना, अपने कब्र का, अपने कमरे का, अपने इर्द गिर्द का ध्यान नहीं देता, वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, ये मैं बात लिख कर देता हूँ। जी बिल्कुल प्रोफेसर, मैं माफ़ी चाहती हूँ यहाँ पे, मैं अपनी पुरानी, मेरे को एक बात याद आ गई, जब मैं छोटी थी ना, तो प्रोफेसर मैं जैसे कॉलेज में जाती थी, तो मैं सबसे पहले, मेरी मम्मी ने कपड़े प्रेस करके, जैसे आयरन करके पूरी कबर्ड में लगा देने, जब मैंने निकालने, मैंने फिर प्रेस कर लेने। मैं अपनी मम्मी से बहुत डांट खाती थी इस बात को लेकर, मम्मी कहती थी कि पहले तो मैंने प्रेस किया, अब तेरे को प्रेस करने की क्या ज़रूरत है, मतलब पूरा ड्रेसअप होके जाना। शायद मैं इसी वजह से आज कामयाब हूँ। शेफाली जी, एक बात और बताऊँ आपको, मेरी आदत भी यही है, कपड़े इस्त्री होके आते हैं तो जब वो हैंगर में डलते हैं ना, तो हैंगर का वाल भी पड़ जाता है वहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैं भी दोबारा इस्त्री करता हूँ फिर पहनता हूँ। जो इंसान ऐसे करते हैं, इस्त्री किए हुए कपड़े पहनते हैं, अपने एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, जैसे कि मैं वाइट कपड़े ज़्यादातर पहनता हूँ, तो हम कुछ खाते, कोई चीज़ लग जाती है, वो निकलती तो है नहीं, मैं उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखता हूँ, अपने घर में जाके स्पेशल वाइफ को बोलता हूँ, ये जो निशान है ना, इसको दोबारा नहीं आना चाहिए, अब आ गया तो उसको मिटाना, कैसे मिटाना मुझे नहीं पता, तो वो निशान के ऊपर मेरा ध्यान रहता है, ये निशान क्यों पड़ गया जी। वाइट कपड़ा क्यों पहनते हैं लोग? क्योंकि संभाल आ जाए, आपको बैठने उठने का बल आ जाए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, और खाने पीने का तरीका आ जाए, सलीका आ जाए खाने पीने का, कैसे खाना चाहिए। वाइट कपड़े पहनने का सिर्फ यही एक मुद्दा है।
आप बैठते वक्त ध्यान रखो कोई, क्योंकि अगर वाइट पेन डाली होगी तो बैठते वक्त ध्यान होगा यार यहाँ पे कोई दाग तो नहीं पड़ा, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, पहले देखोगे हाथ लगा के साफ़ है तभी बैठोगे। देखिए अगर वाइट कपड़ा पहनना होगा तो, अगर आपने ब्लैक ब्लू कुछ भी पहना हुआ तो फिर तो आप जैसे मर्जी बैठ जाइए आप, क्योंकि जैसा इंसान कपड़ा डालता है वैसा ही अंदर से आत्मा वैसी ही बनती जाती। ऐसे नहीं बोला गया बड़े बड़े संतों ने भदवा रंग किसका होता है भाई, ऐसे ही नहीं बड़े बड़े संतों ने बोला गया। तो ये जो कलर होते हैं ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं कि आप जीते कैसे हो। तो इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना, जो इंसान लेट उठता है वो ज़िंदगी में लेट ही कर्म करेगा, कोई भी काम उसके लेट बनेंगे। देख लीजिए अगर वो जॉब करने के लिए जाएगा इंटरव्यू देने के लिए कभी नहीं पहुंच पाएगा समय से, अगर समय से पहुंच भी गया तो वो इंटरव्यू में रह जाएगा, अगली जॉब के लिए फिर भागना पड़ेगा क्योंकि वो लेट उठा। फिर अगर वो लेट उठ भी गया चलो कोई दिक्कत नहीं, उसने कपड़े अच्छे ढंग से तैयार किए, ऐसा हो ही नहीं सकता लेट उठे और कपड़े को इस्त्री मारे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही पैंट डालेगा ऐसी शर्ट डालेगा भागा चला आएगा। तो एक तो उसने सूर्यदेव को यानी कि सन को ख़राब कर लिया, ऊपर से शुक्रदेव को ख़राब कर लिया, अपने कपड़े इस्त्री नहीं किए तो अच्छे ढंग से बने नहीं। मैं शेफाली को दिखाता था, मैं कहा शेफाली जो मैं कपड़े पहनता हूँ ना ये पैंट शर्ट पहनी ये कितनी पुरानी हो गई। शेफाली जी बोलते हैं हाँ प्रोफेसर ये तो नहीं लग रही है। मैं कहा शेफाली सिर्फ 2017 में बनाई थी, 5 साल पहले। तो जो मेरे बूट होते ना मैं घर पे, ये रियलिटी है आप हैरान हो जाओगे जो मैं बातें बोल रहा हूँ, मेरे जो बूट होते जो सैर करने वाले वो भी 11-12 साल के ऐसे ही लगते जैसे अभी अभी डाले। क्यों? क्योंकि जब हमने चलना ठोकर ना लगे पत्थर के ऊपर, कहीं आपका पैर यहाँ ना के, इस चीज़ों का तभी ध्यान आता है अगर हर चीज़ आप संभाल के रखते हो तभी रिच तभी अमीर बन पाते हो, ऐसे नहीं। अब शेफाली जी क्वेश्चन पूछने वाले जी, जी प्रोफेसर अभी आपकी ज्ञान की बातें हैं तो मुझे सरिता जी की एक बात याद आएगी कि प्रोफेसर मैं आपसे बहुत देर से मिलना चाहती हूँ लेकिन मिल नहीं पा रही, दर्शनों की अभिलाषा है लेकिन कई बार मैं जब एपिसोड देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है प्रोफेसर आप ज्योतिष की बातें तो करते करते हैं कुछ आध्यात्मिक बातें भी करते हैं ऐसा वो फील करते हैं। तो प्रोफेसर ये अध्यात्म की बातें तो चलेंगी लेकिन हमने ज्योतिष जो है वो ग्रहों के साथ वो ग्रहों की बातें जरूर करनी है। क्या प्रोफेसर जो लोग कपड़ा प्रेस करके पहनते भी हैं, मान लीजिए जल्दी जल्दी में पहन भी लिया लेकिन फिर भी वो कपड़ा जो है उसमें सिलवट फिर भी पड़ जाते हैं, कई बार हम लोग जैसे पूरे ड्रेसअप हो जाते हैं शूज़ वगैरह पॉलिश कर लिए लेकिन फिर वो गंदे हो जाते हैं, ऐसा उनका कौन सा शुक्रदेव खराब होते हैं या शनिदेव खराब होते हैं? ऐसा शनिदेव खराब होते हैं जी, क्योंकि जब मंगल आपका अच्छा होगा तो आप बन ठन के रहोगे, अगर आपके शनि खराब होंगे तो आपको ठोकरें लगेंगी, आपको जल्दबाजी में आप मिट्टी के ऊपर पैर रखोगे तो शनि आपका खराब। शनि जिसका अच्छा होता है उसमें धैर्य होता है शिफाली जी, जी शनि देव कहते हैं ना शनि देव, लोग डरते हैं अरे उसने सारस्वती आ गई ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं भाई, शनि देव की सारस्वती आपको धैर्य देने के लिए आती है। शनिदेव जब भी महादशा दशा में आते हैं आपको सिखाने आते हैं कि आपने ये गलत कार्य किए इसको ठीक कर लीजिए, मैं आपको बंदा बनाने के लिए आया हूँ, शनिदेव ये बोलते हैं। हम कहते हो हो अब तो हमारा बड़ा गर्क होने वाला है, शनि की महादशा आ गई। राहु की जब महादशा अंतरदशा आती तो इंटेलिजेंस ही आती है, राहु आपको बहुत ज़्यादा डीपली ज्ञान देता है, आप संभाल नहीं पाते आप उसमें उखड़ जाते हो। वो राहु का ज्ञान तभी आ पाएगा अगर आपका शनि अच्छे होंगे तो, देखिए तभी इनको मित्र बोला गया है शनि राहु केतु, इनको पापी भी बोला ग्रह ग्रह को, इनको अच्छा नहीं बोला गया। हालांकि यही अच्छे ग्रह हैं जो आपको जीने का आपको तरीका बताते हैं कैसा जीना चाहिए कैसे नहीं जीना चाहिए, लेकिन बहुत लोग हैं जो इनसे डराते भी हैं और बहुत लोग हैं जो इनसे डरते भी हैं। सच बोलूँ तो मेरे पास कोई भी आता है कहता है मेरे तो राहु की महादशा आ गई मैं तो बस अब बर्बाद होने वाला हूँ, मैं कहता हूँ भाई राहु की दशा महादशा आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाता है कि राहु की प्लेसमेंट कहाँ पड़ी है, आपका लगन का दुश्मन है या दोस्त है। अगर लगन का दोस्त है तो आपको बना के जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगर लगन का दुश्मन है और अच्छी जगह पे नहीं बैठा बुरी जगह पे बैठा तो उन बुरे घरों को खराब करेगा जो कि आपके लिए बुरे थे, देखिए फिर भी आपके लिए अच्छा हो गया। आप लगन का दुश्मन है तो बुरे घर में बैठा है तो कहाँ बुरे घर के खराब करेगा ना, तो दृष्टि आपके ऊपर किस घर पर चल रही है। जैसे कि तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तीसरे भाव का राहु क्यों अच्छा माना जाता है चलो बताओ मुझे, क्यों अच्छा माना जाता है तीसरे भाव का राहु? इसलिए अच्छा माना जाता है एक मार्केश घर को देख रहा होता है सप्तम घर को, हालांकि सप्तम घर तो कहते हैं हम लाइफ पार्टनर का है, अरे भाई उनको भी दिमाग देता है चुस्त चलाक बनाता है। फिर ऊपर से भाग्य को देखता है क्योंकि भाग्य में केतु दे बैठे होते हैं, तो केतु अपने गुरु के घर में बैठा हुआ है यानी कि
मान लीजिए मैं भगवान का नाम लेने वाला हूँ बहुत ज़्यादा, मैं बैठा हूँ भोले शंकर के चरण में, मैं बैठा हूँ हिमालय पर्वत में या किसी भी ऐसे मंदिर में, भोले शंकर के ऐसे मंदिर में दहलीज के ऊपर बैठा हुआ हूँ, भोले शंकर का नाम ले रहा हूँ, तो बोलो मैं वहाँ पर जाके अच्छा हुआ या बुरा हुआ? क्योंकि मैं अगर भक्त हूँ अपने गुरु के घर में जाके बैठ गया तो बहुत अच्छा हुआ। तो इसलिए केतु का गुरु है बृहस्पति, तो बृहस्पति के घर में केतु जब बैठते तो ऐसे बंदे को लाल किताब बोलती है, कल्पया हुआ फकीर जिसे जो बोले पत्थर पे लकीर। केतु जब नौवें घर में आ जाता है तो ऐसा बंदा कल्पया हुआ होता है, कल्प गया, तो जिसे जो बोलता है वो हो जाता है। देखिए तो नौवें घर का केतु अच्छा होता है, राहु तीसरे घर का अच्छा होता है, तो राहु की दृष्टि पड़ रही होती है नौवीं ग्यारहवें भाव में, तो ग्यारहवां घर भी छठे से छठा आता है। हालांकि इनकम का जरूर हम कहते हैं अभी ये तो आय का घर है, बड़े भाई बहनों का भी होता है, बहुत सारे एक घर को एक चीज़ नहीं देखी जाती, तो तीसरे घर का वो दृष्टि डालता है, जो अगर कहीं उसके बुरे प्रभाव है वो खत्म करता है। देखिए अगर आपकी इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी है, बुध ग्रह बहुत अच्छा, तो आपको आय बहुत अच्छी देता है, आपको पहले से ही पता चल जाता है आभास का, ये आपके साथ अच्छा होना है या बुरा होना। बारीकियाँ बहुत हैं कुंडली में, फिर यहाँ पे मैं ये देखूँगा कि कौन सी राशि में बैठा हुआ तीसरे घर में, अगर कहीं तीसरे घर में तीसरी राशि में बैठा सोने पे सुहागा आ जाता है, क्योंकि उच्च का होकर के बैठ गया, तो केतु भी वहाँ पे नौवें घर में उच्च का हो गया, तो यहाँ पे आपको इनकम देगा ही देगा, आपको परेशान नहीं करेगा, परेशानी से निकालेगा राहुदेव, तो फिर यहाँ पे राहुदेव कभी भी बुरे नहीं हुए। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका जवाब मैं थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन अंदर से जब बातें निकलती है तो दिल करता है पूरा करो। जी प्रोफेसर साहब, आज तो आपने गुरु मंत्रों की लड़ी ही लगा दी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये सवाल जो मैं उठाने वाली हूँ शायद बहुत सारी माएँ खुश हो जाएंगी ये सवाल से। तो प्रोफेसर साहब, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये रहेगा इस एपिसोड का, प्रोफेसर साहब क्या होता है कई बार माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, वो चाहती है कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, कुछ अच्छे ओहदे पे लग जाएं या कुछ अच्छा बिजनेस सेटल कर लें, लेकिन बच्चे जो हैं वो बिल्कुल कहना नहीं मानते, बार बार आवाज़ें लगानी पड़ती है, बेटा आ जाओ खाना खा लो, बेटा आ जाओ पढ़ लो, मतलब बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस माँ के ऊपर ही आ जाता है। अगर माँ ये नहीं करती तो पिता भी बोलते हैं शायद तेरी शय है, तो ऐसा करते हैं क्योंकि उसे डांट पूरे परिवार से खानी पड़ती है सिर्फ बच्चों के लिए। तो प्रोफेसर, ये बच्चे जो हैं वो माँ बाप का कहना माने तो उसके लिए हम क्या उपाय करें? शेफाली जी, उपाय की बात और दूसरी बात ग्रहों की बात मैं बाद में करूंगा जी। तो पहले मैं, क्योंकि मेरी जो अंदर आत्मा है ना वो कहती पहले समझा जी बिल्कुल क्योंकि मेरी जो आत्मा कह रही है समझा, तो इसलिए पहले समझाने की बात बोलूंगा जी बिल्कुल। ज्ञान के बिना तो अधूरा होता है, अंधकारी है जी। जिस बच्चे को बार बार आवाजें लगाई जाती हैं, जो बच्चे को बुलाया जाता आ जा खाना खा ले, आ जा ये कर ले, बच्चों लापरवाह हो जाते हैं, कहते मेरी माँ मेरे को करवा ही देती है ना, आवाज़ लगा के याद करा ही देती है ना, तो मेरे को क्या करना, उनको वाजे सुनने की आदत पड़ जाती है जी। जो बच्चों के ऊपर माँ ध्यान देती है बहुत ज़्यादा, मेरा बच्चा ऐसे ना हो जाए, वो बाहर निकल रहा है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, तो फिर बच्चे लापरवाह हो जाते हैं और वो कैदी समझने लगते हैं अपने आप को जी। अगर आप बच्चों को थोड़ा सा बेपरवाह छोड़िए, अगर बच्चों को पढ़िए मुझे पता है अगर आप फेल आए तो आपके पापा ये करेंगे तो मैं तो ये करूँगी, उनके हालातों पर छोड़ दीजिए, खाना नहीं खाते छोड़ दीजिए, सब कुछ नहीं करते करने दीजिए जी। माँ का दिल ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो बच्चों को बिगाड़ने के लिए सबसे पहला हाथ जो होता है माँ का ही होता है जी। क्योंकि वो उसका दिल, मैं तो रह नहीं सकती, तो कीजिए फिर पहले टेंशन शिफाली जी, फिर माँ ही ले लीजिए, जब माँ थक जाएगी भगवान फिर खुद बाद में लेगा। तो जी प्रोफेसर साहब ऐसा नहीं है, आप पिता हैं तो मैं भी एक माँ हूँ, जैसे कि मैं अब यहाँ पे बैठी हूँ, लेकिन ध्यान जो है वो मेरा बच्चों में ही रहता है कि बच्चों ने खाना खा लिया होगा, बच्चे पढ़ रहे होंगे, अब क्लास ऑनलाइन लगा रहे होंगे, ऐसी बहुत सारी माएँ होंगी जो ऐसे ध्यान रखती होंगी। तो प्रोफेसर साहब ये भी तो हमारा कर्म है, ये भी तो हमारा धर्म है। आपके ऊपर ना थोड़ी सी मैं एक पहले गाथा सुनाऊंगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, फिर मेरी बातें आगे जाने वाली है भाई, जो मेरी बातें नहीं सुनना चाहता स्किप कर लें, आगे थोड़ा सा कर लें, वीडियो को सुनिए बहुत ध्यान से। शिफाली जी, एक साधु था जी। वो जा रहा था माथा टेकने के लिए, वापस आ रहा था, एक फ़कीर आया उसके पास, मेरे को खाना खाना, मेरे को खाना खाना, मेरे को दे कृपया एक रुपया दे, एक रुपया दे, मैंने रोटी खानी है। वो बोलता अच्छा यार तू लगता साधु जैसा, तू ऐसे कर, उन्हें दो रुपये दे दिए जी बिल्कुल। तो उनको खाना खा, वो खाना खा फटाफट एक दो रोटी लेके आया, सब्जी ऊपर लेके आया, एक रुपया उसको वापस मोड़ने गया। तो जब उसको वापस मोड़ने गया तो उसने कहा अरे तू क्या कर रहा है, इसको कल खा लेना ना।
साधु ने बोला कमाल की बात, उसने एक रुपया रोटी के ऊपर रखा और रोटी उसके ऊपर, उसने बोला कि मैंने समझा था कि तू साधु है, तू भगवान का बंदा है, तू रमज मेरी समझेगा, इसलिए जिस भगवान ने मेरे को पैदा किया है खाना वही मुझे देगा जी बिल्कुल। अगर माता के टेंशन लेने से बेटे का पेट भरता हो तो जितनी भी पूरी दुनिया में माता भरने दीजिए, फिर भगवान तो बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है जी। इसलिए ये मैंने गाथा इसलिए सुनाई, कभी भी टेंशन मत लीजिए, जो बच्चे ने खाना वो खाकर रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। थोड़ा सा लापरवाह हो जाइए, अगर आप टेंशन छोड़ोगे फिर भगवान बोलेगा, देखिए मान लीजिए मैं और शेफाली लड़ने लगे, बहुत ध्यान सुनिए, शेफाली ने मेरे को लाठी लगा दी और मैंने भी शेफाली को लाठी लगा दी, भगवान कहता दोनों तो एक दूसरे को पूरा कर लिया, मेरी जरूरत नहीं है। अगर शेफाली ने लाठी लगा दी तो मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भगवान कहता अब मेरी जरूरत है जी, मैं अब तेरे लिए मैं करूँगा कुछ। इसलिए कभी भी आप ऐसे मत लीजिए, आप जब भी अपने दिमाग के ऊपर बोझ रखते हो फिर भगवान बेफिक्रा हो जाता है, जो सबका बाप है तो उसको बेफिक्रा मत होने दीजिए, भगवान को काम करने दीजिए अपना, जो वो कर रहे हैं जैसे वो कभी भी कुछ भी करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा सबको समझाता हूँ, अगर कोई भी कुछ भी होता है हमें सीखना आता है, हमें खाने पीने का ढंग आता है, हमें रहना सहना आता है, कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, इसलिए फिक्र छोड़ दीजिए। अब आई बात उपायों की, जो माएँ दुखी हैं वो क्या करें ताकि उनका बच्चा बहुत अच्छा हो, पढ़े, समझना जरूरी है। अगर कहते हैं ना मेडिसिन हम लेते हैं तो परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है, ये मैंने आपको परहेज़ बताया कि माँ ने ये काम करना, अब बात आती है उपाय, उसके लिए आपको मेरा अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। पीछे से इशारा आ गया, एक मिनट रह गया है, देखते हैं अगले एपिसोड में मेरे को याद शेफाली जी बताएंगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो प्रोफेसर साहब आज आपने फिर ट्विस्ट छोड़ दिया हमारे लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगला एपिसोड भी हम आपका देखते रहें, क्योंकि आपको अगर एपिसोड अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये एपिसोड जो है ये सबके लिए है, क्योंकि माओं का एपिसोड है, बच्चों के रिलेटेड एपिसोड है, कौन नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है वो तरक्की करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल वीडियोस हम आपके लिए लेते आते रहें। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।